तनवीर आलम है, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। पटना के सब्जी बाग इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। हमने आपको पहले की तस्वीर दिखाई थी जहां डाक बंगला पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है विपक्ष की, वो एकजुट होकर के NRC का विरोध प्रदर्शन कर रही थी। और अभी हम सब्जी बाग में आपको दृश्य दिखा रहे हैं, सब्जी बाग में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो दर्ज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो है टायर को जला करके ये विरोध प्रदर्शन जो है जारी किया गया है। तमाम जो यहाँ पर लोग हैं उनके सर पर जो है काला पट्टा है और उस पर लिखा गया है से नो टू NRC। आपको बता दें कि इमारत शरिया की पहल की गई थी जिसको लेकर के विपक्ष के भी तमाम नेता जो थे वो पहुंचे थे इस NRC कानून को लेकर के वापस लेने के लिए, मांग को लेकर के। तमाम आप तस्वीरें देख सकते हैं, अभी पुलिस जो है यहाँ पर पहुंची है और पुलिस समझाने की कोशिश जो है वो यहाँ के लोगों कर रही है, मगर आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो नहीं सुन रहे हैं और लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है। रोड को पूरी तरीके से जो है वो बंद कर चुका है, कर दिया जा चुका है। और सब्जी बाग की बात करें तो सब्जी बाग की जो तमाम दुकानें हैं वो भी बंद है। प्रदर्शन को आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन कितना ज़्यादा आक्रोशित है यहाँ के लोग, और कुछ लोगों से बात करते हैं कि सड़क पर उतरे हैं, मांगे क्या हैं। आप तो देख रहे हैं जब से ये NRC और CAA का कानून पास हुआ है, लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि इसको वापस लो। यहाँ तक का फिर भी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आम मतलब कितने पब्लिक है, हर जगह रोड पे हैं। शाहीन बाग देख लीजिए, मुंबई में देख लीजिए, 3 से 4 लाख आदमी रोड पे हैं। बनारस देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने को उठा के देखिए, हर जगह पब्लिक रोड पे है। फिर भी सरकार उसको देखने का एक आज क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आज पूरा भारत बंद का ऐलान हुआ था पहले से ही। हाँ। तो एक मॉब में हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग सारे लोग रोड पे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं CAA का और NRC को लेकर के। और तमाम जो लोग यहाँ पर है वो सड़कों पर उतर चुके हैं और आगजनी को आप देख सकते हैं कि आगजनी भी यहाँ पर की गई है। और लोग जो यहाँ पर है जो NRC के विरोध में यहाँ पर एकजुट हुए हैं, तमाम गाड़ियाँ जो है, अशोक राजपथ की बात करें तो अशोक राजपथ के जो चहल पहल है वो खत्म कर रुक चुकी है, दुकानें जो है वो बंद है। और आपको बता दें एक बार फिर से कि इमारत शरिया का पहल किया गया था जिसमें तमाम विपक्ष के नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और लोगों को जो आप देख सकते हैं लोगों को किस तरीके से यहाँ पर रोका जा रहा है ताकि कोई गाड़ी एक साइड से दूसरे साइड ना जा सके, यातायात को ठप कर दिया जा सके ताकि काम जो है वो रुक जाए। मुद्दा सिर्फ एक ही है कि CAA, NRC और NPR जो है उसको लागू किया जा रहा था, उस चीज़ को लेकर के लोगों का गुस्सा है यहाँ पर। सब्जी बाग की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, सब्जी बाग में पिछले 19 दिन से जो था वो धरना चल रहा था, महिलाएं जो थी वो सड़क पर थी, और उसके बाद से आज भारत बंद में आप तस्वीरें देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस तरीके का गुस्सा जो है लोगों में है। अब बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को बहुत सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।